हेलो गाइस, आपका स्वागत है मनी ऑटो टेक्निकल में। तो आज ये है स्विफ्ट, मारुति की, मारुति सुजुकी स्विफ्ट। और इसमें एक प्रॉब्लम है सिग्नल लाइट का, चारों सिग्नल लाइट बंद है। बट यहाँ से मैं चालू करता हूँ हाजर्ड, और ये हाजर्ड चालू किया तो आपको दिख रहा होगा लाइट जल रही है इसकी, बाहर एक भी लाइट नहीं चल रही है। आपको दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए पीछे की, ये भी, और ये कोई भी नहीं चल रही है। तो आप लोग देख सकते हो अभी भी ये लाइट चालू है मीटर में। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, अभी इसको ट्रेस करते हैं, देखते हैं। और इसमें फ्यूज़ वगैरह, फ्यूज़ चेक करते हैं पहले, फर्स्ट स्टेप। तो जाते हैं फ्यूज़ चेक करते हैं। तो ये फ्यूज़ बॉक्स है, इसको देखते हैं। ये डब्बे पे लिखा हुआ है, इसके ढक्कन पे ये एक तो, तीसरा, तीन नंबर, एक दो तीन, ये 10 का जो है। तो इसको चेक करते हैं, एक में आ रहा है और एक में नहीं आ रहा है। तो ये फ्यूज़ गया है, अब इसको डालते हैं नया और आपको दिखाते हैं। मैं फ्यूज़ लेके आ गया हूँ, इसको लगाते हैं। तो इसको हमने लगा दिया, अब चेक करते हैं। तो अब हाजर्ड चालू करते हैं। ये हो गया हाजर्ड चालू, बाहर जाके देख लेते हैं पहले। ये चालू हो गया है, ये भी चालू हो गया है, ये भी चालू हो गया है, मतलब सब लाइट चालू हो गई है, चालू हो गया है, देख सकते हो। इसमें फ्यूज़ गया था, तो फ्यूज़ चेक कर ली।